नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराम चीनी कंपनी एंड नारंगराम चीनी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट गुरप्रीत सिंह। दोस्तों, वैसे तो हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस लेकर आते रहते हैं। तो आज हम जो आपके लिए बिजनेस लेकर आए हैं उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और आप इसको आसानी से चला सकते हो। आप अपने घर में अपने कोई भी किसी भी मंजिल पर चला सकते हो। उसकी कोई साउंड नहीं है, कोई आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और कोई भी चला सकता है। कोई लेडीज हो, कोई हो 10वीं 12वीं की हो, कोई भी चला, इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि यही चला सकता है। और दोस्तों, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नीचे जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही में बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए जो नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, आपको सबसे पहले पता चल सके। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए बिजनेस लेकर आए हैं उसका नाम है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, आप इसको रजिस्टर भी कह सकते हो, नोटबुक को भी कह सकते हो, कॉपी, और कई लोग खाता भी कह देते हैं, खाता बुक भी कह देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वैसे तो सबसे मेन तो मशीन चाहिए, मशीन, और बाद में जो जो आपको साथ में सामान चाहिए, रॉ मटेरियल कहते हैं जिसको, वो क्या क्या चाहिए सबसे पहले मैं उसकी जानकारी दूंगा, फिर आपको आगे बताऊंगा मशीन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे चलती है, और मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक का सबका कंपैरिजन साथ में सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम आते हैं रॉ मटेरियल पर। तो ये नोटबुक बनी आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें कि एक तो लगा है कागज साथ में लगे है, ये बार वाला टाइटल साथ में, और इसके साथ में लगी एक पिन। दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए, ये देख सकते हो आप, एक गत्ता चाहिए, और ये आता है मेरे डबल नोटबुक में। सिंगल में बनाओगे आपकी प्रोडक्शन कम रहती है, डबल नोटबुक बनाते हो प्रोडक्शन आपकी सीधी बात है डबल हो जाती है, ठीक है। और साथ में इसमें आपको चाहिए कागज जो होता है रॉ मटेरियल में, ये रूल हुआ पेपर आपको मिल जाता है मार्केट में, और जो बिना प्लेन लेना है, और रू में सिर्फ 2 रुपए का ही अंतर होता है, सिर्फ वो 2 रुपया लेबर ही लेते हैं कि आपको करने के लिए, ठीक है। दोस्तों, आपने देख लिया है कि इसके लिए आपको एक तो ये बार वाला गत्ता जिसको टाइटल कह देते हैं, कवर कह देते हैं, और साथ में चाहिए उसके कागज। जो कागज होता है, ये तो टाइटल तो एक ही लगना है, जो कागज है अंदर वाला उसको एक बार आप काउंट कर उसका अप्रोक्सीमेट वेट कर जो आगे वाले बंडल होते हैं उसको वेट कर ही बना सकते हो, उसका कि आपको आसानी से बन जाते हैं अप्रोक्सीमेट वेट कर उसका, और जो बाकी बंडल है वेट के हिसाब से बना सकते हो, उससे कि आपकी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस आता है फोल्डिंग, इसमें कि कुछ लेबर होती है, तो आपको वीडियो में दिख रहा है कि हाथ से लेबर फोल्ड करती है, और हमारे पास एक और मॉडल है अलग से ऑटोमेटिक फोल्डिंग मशीन, उसमें आपको वो भी आपको साथ में स्क्रीन पर वीडियो शेयर हो रही है, उसको है कि बस आपको नॉर्मल ये कागज को टाइटल को रखना है, तो अपने आप फोल्ड कर वो नोटबुक को बाहर निकाल दे, इससे कि आपकी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसने नहीं भी लेनी वो उसके कस्टमर पर डिपेंड है, अगर उसका बजट है तो ले सकता है, बाकी है कि ये नोटबुक की क्वालिटी और बढ़ जाती है, प्लस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सबसे बड़ा ये काम है। और इससे नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस आता है उसका नाम है स्टिचिंग, जो पिन लगाते हैं उसको स्टिचिंग कहते हैं, उसको है कि हमारे पास सब 2-3 मॉडल है इसके। पहला जो मॉडल है मैनुअल स्टिचिंग, जिसमें मोटर नहीं लगाता, पैर से आपको दबाना पड़ता है, वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि आपको कागज को आगे आगे करना है, पैर से दबाना है कागज को, सॉरी मशीन को। और जो उससे नेक्स्ट वाली मशीन आती है मोटराइज स्टिचिंग मशीन, जिसको विकर भी कहते हैं हम, उसमें है कि आपका स्विच पैर पर लगा होता है, सिर्फ स्विच दबाना है और वो नोटबुक को आगे आगे करते जाना है, उसमें जितनी पिन आपने लगानी है वो लगती जाएगी, स्विच जितने दबाओगे, ठीक है। और उससे आगे और भी ऑटोमेटिक भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो हमारे पास ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं मशीन है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है सर। और वीडियो अंत तक देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी कि आपको पता चलेगा कि ये नोटबुक कैसे बनती है और आप कैसे काम कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो स्टिचिंग में जो आपका रोल लगता है वो रोल भी हमारे से ही प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों, ये देख सकते हो कि आपका जो ये है कि स्टिचिंग होती है, जो ये नॉर्मल रोल लगता है, कोई पेन नहीं लगता है इसमें, कि ये 23 गेज की 22 गेज की तार आती है, जो जी आई वायर वो लगती है,
ऐसा रोल आता है आपको ये सीधा मशीन में फिट करना है, इससे आपकी स्टिचिंग भी हो जाती है। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको वो है कि एज पेयरिंग करना, उसमें भी हमारे पास दो तीन तरह के मॉडल हैं, जैसे ये देख सकते हो ये प्रेस हुई हुई है और एज पेयरिंग भी हुई है। इसमें जो पहला एक तो आता है जो नॉर्मल आता है सस्ता, जो अगर किसी के पास बजट कम है वो है कि मैनुअल मॉडल ले सकता है, दा प्रेस जिसे कहते हैं, दा प्रेस प्रेसिंग मशीन, तो आपको वीडियो में देख सकते हो, हाथ से उसको घुमाना पड़ेगा और सिर्फ ये कॉपी प्रेस हो जाएगा, एस्केरिंग नहीं होएगा। अगर आपको एस्केरिंग भी करनी है साथ में उससे, वो आता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक फुली हाइड्रोलिक एस्केरिंग मशीन, वो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं हम कि उसमें कि आपको ऑटोमेटिक एस्केरिंग भी हो जाएगा, साथ में प्रेस भी कर देगा वो, उसमें स्किन सेंसर भी लगे हुए हैं, हाथ आगे करोगे मशीन नहीं चलेगा। क्योंकि और ये करने के बाद आपकी नोटबुक ऐसे दिखने को मिल जाएगी, आपको ये देख सकते हो वीडियो में, ये है कि जैसे ये तो मैं आपको दो नोटबुक दिखा रहा हूँ, ये प्रेस हो गई है पूरी, अगर नहीं प्रेस करोगे ऐसे नहीं होगी, ये देखो ऐसी फुली होगी, ये फुली हुई है, जैसे इसको अगर प्रेस कर दोगे तो ये ऐसे बन जाएगी पूरी, एयर निकल जाती है इससे पूरी, और साथ में जो राउंड होती है स्क्वायर हो जाती है। वीडियो में आपको अभी भी दिख रही होगी कि ये पूरी हो गई, और इससे अब जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कटिंग, जो है ये डबल कॉपी अब जो हमारी तैयार हो रही है, हम अब ऐसे इसको सिंगल सिंगल में करना है, तो उसका प्रोसेस है जो हमारे पास उसकी भी मशीन है, जो दो तीन तरह के मॉडल हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैनुअल मॉडल के बारे में, वैसे तो फुली मैनुअल भी नहीं कह सकते, उसमें एक मोटर लगी होती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको वो कैसे चलती है। उसमें कि सबसे पहले जो हमने नोटबुक रखना है, जो ऊपर से दाब आनी है वो हाथ से गिरनी घुमाना पड़ता है उसको, वो जब नीचे लग जाएगी तो फिर आपको है बाद में पीछे जो पीछे वाला जो गुनिया भी होता है उसको भी हाथ से घुमाकर आगे पीछे करना पड़ता है, और जो लीवर जो कटिंग ब्लेड में नीचे आना है वो चलता मोटर से है, लेकिन आपको एक यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लीवर दिया होता है, लीवर को आपको खींचना पड़ता है, फिर आपका कटिंग नीचे को आता है, लेकिन उसमें कि आपके स्किन सेंसर नहीं लगे होते। अगर उससे ऊपर वाला मॉडल चाहिए आपको, जिसका नाम है सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन, दोस्तों उसकी भी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको नोटबुक को रखना है, सारा काम आप स्विच से ही कर सकते हो। उसमें है कि पीछे जो गुड़िया है वो भी आपका स्विच से आ सकता है, जो ऊपर वाला दाब है वो भी स्विच से आएगा, जो नाइफ आना है वो भी स्विच से आना है, तो सभी मोटर से चलती है मशीन। और उसमें है कि स्क्रीन सेंसर भी लगे हुए हैं, अगर हमारे तो हाथ वैसे आप देख सकते हो दोनों हमारे टेबल पर होते हैं, अगर कोई तीसरा आदमी भी दूसरा आदमी भी आगे हाथ कर दे तो आपको वो मशीन चलेगा ही, तो स्क्रीन सेंसर लगे हैं उससे मशीन आपकी रुक जाएगी, मशीन उतनी देर नहीं चलेगा जितनी देर हम हाथ पीछे नहीं करेंगे। और उससे एक और ऊपर मॉडल जो आता है फुली ऑटोमेटिक और फुली हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन, उसमें है कि आपका कंप्यूटर लगा होता है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मशीन के ऊपर वीडियो दिखा रहे हैं, मशीन के ऊपर प्रोग्राम लगा हुआ है, उसमें आपका जो नोटबुक का ये साइज है साइज भरोगे आपका, तो वो है कि वन टाइम आपको कटिंग हो जाता है सारा, और ये है कि वो भी सारा स्विच है, उसमें भी स्किन सेंसर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो वन टाइम नोटबुक रेडी हो जाती है। जो सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल में है, पहले एक साइड काट कर सभी की रखनी पड़ती है, बाद में दूसरी साइड काटते हैं हम, ऑटोमेटिक में ये नहीं है, ऑटोमेटिक में वन टाइम आपकी नोटबुक रेडी होकर बाहर निकल जाएगी, इसकी प्रोडक्शन भी दोनों मॉडल से डबल है, ठीक है। तो अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि नोटबुक बनती है कैसे है, और हमारे पास ये हमने बताया मैंने सिर्फ मैनुअल ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक के बारे में। दोस्तों हमारे पास जो ऑटोमेटिक मॉडल है जिसमें आती है 3-in-1 मशीन, इसमें होती है पिनिंग भी हो जाती है साथ में, फोल्डिंग भी साथ में हो जाती है, और एस्केरिंग भी साथ में हो जाती है। दोस्तों आपको इसमें है कि सिर्फ ये आप जैसे कागज और टाइटल देख सकते हो, हमें सिर्फ इसको ऐसे नॉर्मल मशीन में रखना है सीधा ही, कोई फोल्ड नहीं करना कुछ नहीं करना, एक आदमी की जरूरत है बस, वो तीनों का काम एक ही आदमी कर सकता है, तीनों आदमी का फोल्डिंग भी जो करनी है वो भी अलग आदमी नहीं चाहिए, एस्केरिंग के लिए भी अलग आदमी नहीं चाहिए, स्टिचिंग के लिए भी अलग आदमी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही आदमी ने ये कागज और टाइटल लेना है, यहाँ पर रख देना है, वीडियो में आप देख सकते हो टाइटल कागज रखा है, अपने आप पिन करके फोल्ड भी हो रहा है साथ ही में, और एस्केरिंग भी साथ में हो रहा है, कर अपने आप नोटबुक को बाहर रखी जा रहा है, सिर्फ उसके
ये है कि इससे आपकी प्रोडक्शन भी है जो दो 400 कॉपी 500 कॉपी का 1 घंटे इंक्रीज हो जाती है। और इसमें है कि स्पीड वेरिएबल भी हो जाती है। ये जो मैंने 500-600 का है स्लो स्पीड पर का है। जब आर्मी रूटीन बढ़ जाती है हाथ उसका पूरा सेट बैठ जाता है मशीन पर, फिर है कि ये 1500 कॉपी पर घंटा बढ़ जाती है। दूसरे मॉडल में जैसे नोटबुक 900 सेमी में ऑटोमेटिक में बने, 900 से 1000 कॉपी 1 घंटे में, मैनुअल में बन गए 600-700 कॉपी 1 घंटे में। इसमें है कि आपकी 2600 से 2700 कॉपी आपकी 1 घंटे में निकल जाती है आराम से। जो कि इसमें कि आप कितनी पिन लगानी है सारा टच स्क्रीन पर सेट कर सकते हो, स्पीड उसकी कम ज्यादा कर सकते हो और सब कुछ। आप टच स्क्रीन लगी उससे भी सारा आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई इसमें आपको मैकेनिकली काम ज्यादा नहीं है। बाकी जो भी हमारा सब कुछ होएगा, आप जब मशीन हमारी परचेज करोगे जो ये नोटबुक की, आपको पूरा बताकर आएगा हमारा इंजीनियर, इंस्टॉल कर ट्रेनिंग देकर आएगा मशीन को कैसे चलाना है। कोई चाहे कोई भी मॉडल आप ले लीजिए, हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा ही आएगा। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ भी मशीन जाएगी आपको सिखाकर आएगा पूरा कैसे नोटबुक बनती है, पूरा आपको ट्रेनिंग देकर आएगा। दोस्तों आपको मैंने अब तो बता दिया 3-in-1 का जो प्रोसेस है एच करिंग तक का। उसके बाद में जो कटिंग है जो आपको पहले वीडियो में बताया वो ही सेम प्रोसेस है। आप चाहे उसमें मैनुअल भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, फुली ऑटोमेटिक कटिंग भी ले सकते हो। ऐसे में आपको मैनुअल की जगह सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक ही सुजेस्ट करूंगा। वो आप पर डिपेंड है, आप कितना बजट है सब कुछ आप, वो आप पर डिपेंड है वो कैसे आपने कौन सा मॉडल लेना है। वो आप जब हमने नीचे वीडियो पर हमारे नंबर भी आ रहे होंगे, आप उन पर व्हाट्सएप कर या कॉल कर मशीन की सारी जानकारी भी ले सकते हो। उसके प्राइस भी हम आपको शेयर कर देंगे। बाकी और भी कुछ जो स्पेसिफिकेशन क्लैरिफिकेशन चाहिए वो हम आपको पूरा आपके साथ बातचीत करके पूरा समझाएंगे आपको कैसे क्या करना है। आप हमें जब मर्जी कॉल कर और चाहे अगर कॉल ना उठाया जाए तो आप व्हाट्सएप भी कर छोड़ सकते हो। हम आपका जब फ्री होकर आपको उसी वक्त आपको रिप्लाई देंगे, मशीन के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों इससे अब नेक्स्ट वाला जो मॉडल आता है फुली ऑटोमेटिक मशीन है, फोर जिसको हम 4-in-1 हमने नाम रखा हुआ है। इसका जो प्रोसेस है पिनिंग फोल्डिंग एस्क्वेरिंग एंड कटिंग भी बीच में हो जाता है। दोस्तों ये इस टाइम बिजनेस जो मॉडल है सबसे बेस्ट मॉडल है, जो कि जिसका जिसके पास बजट है, ज्यादा बजट है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बाकी भी मॉडल बढ़िया है लेकिन इसमें भी प्रोडक्शन आपकी 3 से 4 हजार कॉपी आपकी 1 घंटे में आराम से निकल जाएगी। इसमें है कि सिर्फ परफेक्ट ये है कि आपको कागज और टाइटल ये रखना है। आपको वीडियो भी हम दिखा रहे रहेंगे साथ में, आप देख सकते हो कि ये सिर्फ कागज और टाइटल रखना है। पिन भी साथ ही में लगाएगा। टच स्क्रीन पर आपको बस सेट करना है कितनी पिन लगानी है, स्पीड कितनी रखनी है, पूरा आपको साइज क्या है वो सब कुछ उस पर टच स्क्रीन पर भर सकते हो। आपका पूरा आसान काम है ये। इसमें कि कागज टाइटर रखा आपने और आगे पिन करेगा, फोल्ड कर भी कर देगा, एस्केरिंग भी कर देगा, फिर लास्ट में जो है कि पहले 3-in-1 में मैंने दिखाया था आपको कटिंग अलग से उतार कर करना पड़ता था। उसके लिए आपको 2 आदमी चाहिए थे। इसमें कि आप सिंगल आदमी ही कर सकते हैं। इसमें कटिंग भी बीच में हो रहा है, आप वीडियो में देख सकते हो। इसमें कि पिनिंग फोल्डिंग एस्केरिंग और कटिंग बीसी में हो रहा है, आपको दिख रहा है वीडियो में। इसमें कि पूरी कॉपी तैयार होकर बाहर निकल जाती है। और हमारे पास एक अलग मशीन भी आती है जिसका नाम है श्रिंक पैकिंग मशीन। जो आपने पूरी नोटबुक तैयार कर ली, ये ऐसे जैसे ये आपकी नोटबुक देख सकते हो, ये ऐसी तैयार हो जाएगी। ये मैंने दिखाई, ये 18x20 साइज की है, जैसे ये A4 साइज की है आपकी। ये वीडियो में देखा है आपकी नोटबुक ऐसी रेडी हो गई है। अब आपका प्रोसेस आता है कि जब आपने होलसेलर वगैरह को सेल करना है, सब कुछ करना है, आपको पैकिंग भी करना पड़ता है। उसके लिए आप हमारे पास है श्रिंक पैकिंग मशीन। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो उसमें कि आप गठी जैसे ये 7-8 कॉपी का बंडल लेकर आप उसको पैक कर सकते हो। उससे कि आपका जंग नहीं लगता, डस्ट नहीं पड़ती, कॉपी क्वालिटी मेंटेन रहती है। बाद में होता है छिलन बाहर पड़ी रहे, वैसे होता कुछ नहीं है। ये अगर छिलन लगने का डर रहता है, डस्ट पड़ने का, तो वो है कि पैकिंग कर आपका वो सारा डर मिट जाता है। वो है कि वो आप एक साथ में वो भी एक ऑप्शनल मशीन है, वो भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ कि जो दो मटीरियल है, दो मटीरियल आपको कहाँ से मिलेगा। ये है कि आपको हर जगह से मिल जाता है, हर शहर से मिल जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती।
यह कि आपको आराम से मिल जाता है, चाहे आप सिंगल लाइन लो, टू लाइन, फोर लाइन, मैथ वाला, इंग्लिश वाला, कोई भी आप जो आपको चाहिए आपको सभी मिल जाता है। जो टाइटल है, टाइटल कोई भी अपने नाम का प्रिंट करवा सकते हो, ये अपना ब्रांडिंग जो करवाना है, एड्रेस, जो प्राइस लिस्ट लगवानी है, जो डिजाइन है, सब कुछ लिखवा सकते हो अंदर, जैसे इंडेक्स प्रिंट हुआ मिल जाता है। यह कि आपको दो आसानी से मिल जाएगा, और साथ में एक ये लगता है स्टिचिंग में जो रोल लगता है वायर का, वो आपको ये तीन का ही काम है कि आपको जो रो मटेरियल में लगना है। चौथा, अगर आप सिंक पैकिंग मशीन ले रहे हो तो एक सिंक रोल लगेगा बस, ये इतना ही आसान काम है। आप दोस्तों आप लगाओगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है, जो इसमें कि 25-30% प्रॉफिट है, इसमें मार्जिन है जो आसानी से, जैसे कि आपकी जो ये देख सकते हो, ये नॉर्मल 30 रुपए की जो मार्केट में कॉपी बिकती है 18-24 साइज की, आपको पूरी जो 30 रुपए की, 30 रुपीज की जो मार्केट में बिकती है, वो आपको घर में पूरा कोर्स करेगी, 10 हार्डली 10 या 11 रुपए की, सारा खर्चा डालकर, बिजली का, लेबर का, पूरा आपका जो रॉ मटेरियल का सारा खर्चा डालकर 10-11 रुपए की पड़ेगी, जो 30 रुपए की बिकती है। और आगे होलसेलर को अगर बेचोगे वो 17-18 की बिक जाती है आराम से, अगर रिटेलर को बेचोगे वो 19-20 की बिक जाएगी, अगर आप स्कूल कॉलेज में दे रहे हो वो 30 रुपए की जो कॉपी होती है वो 45 में देते हैं आई थिंक, उनको आपकी 25 की भी बेच सकते हो स्कूल में, यानी प्रॉफिट इसमें आराम से बढ़िया निकल जाता है। और साफ सुथरा काम है इसको, अभी घर पर चाहे किसी भी मंजिल पर लगा लीजिए, कोई वाइब्रेशन नहीं है आपको, यानी पूरा मशीन बेस्ट क्वालिटी मिलेगा साथ में, ये कि आपने जो देख रहे हो यहाँ हमारा फैक्ट्री विजिट कर कर भी हम आप हमारी मशीन देख सकते हो। आपको जो मैंने ये समझाया आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास यहाँ सभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपको वीडियो में भी हमें दिखाया आएगा, देख लेना कि पूरी मशीन हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अमृतसर पंजाब में, हमारा एड्रेस नीचे आपको वीडियो में दिख रहेगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर कर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर भी देख सकते हो, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं, आप पूरा देख कर मशीन का हमें कॉल कर सकते हो, फैक्ट्री विजिट कर कर हमारी सभी मशीन देख कर ऑर्डर यहाँ से कर सकते हो। अगर नहीं भी आना आप वीडियो कॉल हमें करो, हम आपको मशीन दिखा देंगे, आप पूरा बेझिझक अपना तसल्ली कर सकते हो, आपको कोई डाउट जो क्लियर करना हो हमारे मैसेज कीजिए, सब कुछ आपको आसानी से रिप्लाई दिया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है, कहाँ पर करना है, पूरी आपको डिटेल्स दी जाएगी। और दोस्तों वैसे तो हमने आज आपको नोटबुक का बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम और भी इंटरेस्टिंग जो बिजनेस है लेकर आएंगे। आप अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमें भी आप अप्रिशिएट करिए कि हमें भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।